आज से अनलॉक वन में छूट की दूसरी किस्त शुरू हो चुकी है। होटल्स खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन नियम बदले हुए हैं। फ्लू के लक्षण वालों को एंट्री नहीं मिलेगी, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के कोई अंदर नहीं जा सकता है। और साथ ही आपको दिखा देते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से अब लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे वो मॉल्स हो, किस तरीके से यहां पर नए नियम अब आ गए हैं। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग का आपको सामना करना होगा। ये मॉल्स की हम आपको शर्तें और नियम दिखा रहे हैं। एक साथ ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो सकेगी, धीरे धीरे एंट्री की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ये तमाम नियम अब मॉल्स में लागू होंगे। मॉल्स के हर एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी, कोई भी एरिया हो सकता है, ये फूड कोर्ट हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है। मास्क लगाने पर ही आपको मॉल में एंट्री मिलेगी, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप मॉल में एंट्री नहीं पा सकते हैं। इसके साथ ही आपको दिखा देते हैं कि लगातार किस तरीके से अब होटल्स को लेकर भी मानक बदल दिए गए हैं। एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन जरूरी है, ये अब आपको होटल्स में करना होगा। और साथ ही मास्क तो जरूरी है ही, ये होटल्स पर भी लागू होता है। इसके साथ ही आपको ज्यादातर पेमेंट्स के लिए कहा जाएगा कि आप डिजिटल तरीके से ही पेमेंट्स करें ताकि आप सुरक्षित रह सके, नोटों का इस्तेमाल ना करें। अनलॉक में स्टाफ भी ग्लव्स और मास्क के साथ दिखाई देना चाहिए, ये होटल्स के लिए अब नए नियम कायदे लागू किए जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि होटल्स में आप अगर रूम सर्विस के लिए ऑर्डर करते हैं तब आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एंट्री से पहले गेस्ट का सामान भी सैनिटाइज किया जाएगा, उसके लिए भी वहां पर मशीन्स का इंतजाम हो। इस तरह के तमाम नियम अब होटल्स के लिए लागू होंगे। तो आज से जो अनलॉक की नई किस्त है उसे लागू किया जा रहा है, और किस तरीके से नियम बदले गए हैं ये आप देखिए। ग्राहकों का पूरा ब्यौरा लिया जाएगा, यानी कि एंट्री पर जो रजिस्टर जिसमें आप पहले कुछ ही डिटेल्स लिखते थे, अब उसमें बहुत सारी डिटेल्स और जुड़ जाएंगी। आज से रूम सर्विस का ऑर्डर फोन पर ही दिया जाएगा, इसके लिए फोन का इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब बात कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डरा देने वाली है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीमार हैं। उनका कल टेस्ट किया जाएगा, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज बताई जा रही है। हल्का बुखार है, गले में खराश की शिकायत है। कल दोपहर से उन्होंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, खुद को अपने सीएम आवास में आइसोलेट कर दिया है। अब केजरीवाल की जांच और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उधर श्रम मंत्रालय में कोरोना की घुसपैठ बढ़ गई है, 11 अफसर पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना के मामले अब 2.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में फिर करीब 10,000 नए एक्टिव मामले सामने आए हैं। हालात ये हैं कि रोजाना बढ़ते केस में अब तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान पहुंच गया है। तो मुंबई में हाल और ज्यादा बेहाल है, और दिल्ली भी उसी राह पर चल पड़ा है, क्योंकि रोज कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आ रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो 15 दिन में राजधानी में 56,000 कोरोना के मामले हो जाएंगे। देश के दो बड़े महानगरों में कोरोना की घुसपैठ गहरी है। मुंबई डरा रही है तो दिल्ली उसी राह पर दौड़ पड़ी है। राजधानी में कोरोना सरपट दौड़ रहा है, रोज 1,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। 24 घंटे में ही करीब 1,300 केस जुड़ गए। अच्छी बात यह है कि राजधानी में दो दिनों से कोरोना से किसी की जान नहीं गई, लेकिन कोरोना के कुल मामले सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कुल मामले कोरोना के करीब 29,000 हो गए। 10,000 लोग ठीक तो हो गए, लेकिन 750 से ज्यादा को जान भी गंवानी पड़ी। रफ्तार यही रही तो 15 दिन में राजधानी में
दोगुने यानी 56,000 से ज्यादा केस होंगे। ऐसे में डर यही है कि अस्पताल में बेड कम ना पड़ जाएं। हमारे पास अभी तक तो एनफ बेड हैं कि जो लोगों को दे सकते, परंतु हमें आगे के लिए भी इसकी कैपेसिटी और बढ़ानी है। जिस तरह से केस आ रहे हैं, केस रोजाना जितने केस आ रहे हैं उस हिसाब से हमें जितनी कैपेसिटी, अभी हमारे पास 8,500-9,000 हो चुके हैं, तो अगले 15 दिन में हमारा टारगेट है कि कम से कम 15,000-17,000 बेड जरूर किया, इसको दोगुना किया जाए। ये हाल तो तब है जब दिल्ली में 12 दिनों में 405 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में अस्पतालों की अनदेखी के आरोपों के बाद दिल्ली सरकार ने 24/7 हेल्प डेस्क बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होगा और मरीजों को दिल्ली के निवासी होने का सबूत दिखाना होगा। आप भी जान लीजिए कि आपको इलाज से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। मुंबई में भी कोरोना की तेजी बनी हुई है। 24 घंटे में 1400 से ज्यादा मामले आ गए, 61 लोगों की मौत भी हो गई। अब मुंबई में कोरोना के कुल केस 48,000 से ज्यादा हो गए, वहीं मौत का आंकड़ा 1600 से ज्यादा हो गया। मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच छूट की एक और किश्त आ गई। मुंबई की सड़कों में बदले अंदाज में बेस्ट की बसें आ गईं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये BST ने काफी सारे अरेंजमेंट किए हैं, बसेस देख लीजिए काफी चल रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट है ताकि जो कोरोना वायरस उसका फैलाव ना बढ़े उसको रोकने के लिए। पहले तो जब लोग घुसेंगे तो वो इतने ही घुसेंगे कि वो एक एक सीट जो जैसे आप देख लीजिए, ये दो लोग इस पर अमूमन बैठते हैं, लेकिन एक ही शख्स बैठेगा इस सीट पे, तो यानी कि 50% से भी कम ऑक्युपेंसी होगी बसेस में। मुंबई में कोरोना की जंग जारी है और इस जंग से लड़ रहे वॉरियर्स को गृह मंत्री ने अनोखे अंदाज में सलाम किया। मुंबई से विद्या के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कोरोना की मार तो है ही, इधर भूकंप के झटके भी आ रहे हैं लगातार। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों में कई बार महसूस किए जा चुके हैं भूकंप के झटके। आज एक बार फिर अब से कुछ ही देर पहले भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 2.1 रेक्टर स्केल के पैमाने पर हल्के झटके दिल्ली और NCR में भूकंप के महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर 2.1 की तीव्रता। अरविंद हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और क्या इसकी तीव्रता रही? देखिए, तकरीबन 1 बजे के लगभग ये भूकंप आया है और दिल्ली गुरुग्राम जो बॉर्डर है वो केंद्र बताया गया है और जो तीव्रता है वो काफी कम है, 2.1 है। लेकिन चिंता की बात ये है नेहा कि लगातार दिल्ली NCR में भूकंप के झटके आ रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान की अगर बात करें तो ये 7वां या 8वां भूकंप का झटका है, ये जरूर चिंता की बात है। हालांकि जो इस बार जो भूकंप आया है 2.1 यानी कम तीव्रता का है, बहुत कम झटके लोगों को महसूस होंगे या ना के बराबर महसूस हुए होंगे, लेकिन लगातार जो मौसम वैज्ञानिक है वो चिंता जाहिर कर रहे हैं लगातार जिस तरह से भूकंप के झटके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे भूकंप के बारे में। और संजय सिंह इस वक्त केजरीवाल की तबीयत के बारे में जानकारी दे रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। वालों का इलाज होगा, बाहरी का नहीं होगा, बेड की संख्या की काफी जरूरत है, आपको पता है जो आंकड़े? देखिए, उसमें मैं कई बार स्थिति स्पष्ट कर दिया हूँ, ये कौन प्रचारित कर रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई, दिल्ली में 10,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के बेड हैं, वो सबके लिए खुले हुए हैं। दिल्ली में 10,000 बेड दिल्ली सरकार के हैं, दिल्ली राज्य के अस्पतालों के हैं, तो क्या एक राज्य सरकार को अपने राज्य सरकार के अस्पतालों में अपने रहने वाले लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? और इसी आधार पर ये कहा गया। और यहाँ भी कौन रहता है? यहाँ भी यूपी के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, कर्नाटक के रहते हैं, हरियाणा के रहते हैं, तमिलनाडु के रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्या? कल को यही केसेस अगर बढ़ जाएंगे, कल को डेथ ज़्यादा होने लगेगी, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले धरना प्रदर्शन आंदोलन। वहीं दिल्ली में कोरोना की चाल से सरकार भी परेशान है, डर है कि कहीं आने वाले दिनों में अस्पताल के बेड कम ना पड़ जाएं, क्योंकि जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से बेड की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही। दिल्ली में कुल 28,936 केसेस थे कल, जिसमें जो ऐड हुए थे 1282 ऐड हुए थे। जो अभी एक्टिव केस हैं जो कि अभी रिकवरी नहीं हुई है वो है 17,125, 10,999 लोग रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं।
और अभी तक दिल्ली में 812 डेथ हो चुकी हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना काफ़ी लेवल पर बढ़ चुका है और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से 1000 से भी ज़्यादा केस प्रतिदिन आ रहे हैं, 1200, 1400, 1500 केसेज आ रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को इलाज कराने के लिए जगह की आवश्यकता है। और दूसरा, वैसे भी देखिएगा आसपास के राज्य तो कह रहे हैं उनके यहाँ कोरोना है ही नहीं, जब वो कह ही नहीं रहे कोरोना है तो फिर कोई इशू वाली बात ही नहीं रहती। दूसरा, मैं तो राहत की बात जानता कि दिल्ली के अंदर हमने अभी इस टाइम पर हमारे ऐप के ऊपर भी 8,500 से ऊपर बेड्स हैं, जिसमें से लगभग आधे बेड अभी खाली हैं। बट हो क्या रहा है कि मान लो कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल्स में उनके अंदर बेड्स, प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनके अंदर हॉस्पिटल में बेड्स ख़त्म हो गए हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इस अस्पताल में गए फिर इसमें गए फिर इसमें गए। भाई अभी तक देखो LNGP का कोई शिकायत नहीं है कि बेड नहीं मिल रहा, GTP में मिल रहा है, राजीव गांधी में मिल रहा है, हमारे पास अभी तक तो एनफ बेड हैं कि जो लोगों को दे सकते हैं। परंतु हमें आगे के लिए भी इसकी कैपेसिटी और बढ़ानी है। जिस तरह से केस आ रहे हैं, केस रोज़ाना जितने केस आ रहे हैं उस हिसाब से हमें जितनी कैपेसिटी, अभी हमारे पास 8,500-9,000 हो चुके हैं, तो अगले 15 दिन में हमारा टारगेट है कि कम से कम 15,000-17,000 बेड जरूर किया, इसको दोगुना किया जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बेड्स की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए। बहरहाल देश में कोरोना के मामले अब 2.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना की तेजी लगातार बनी हुई है, 24 घंटे में फिर 10,000 से ज्यादा मामले पाए गए। जिंदगी को और रफ्तार मिल गई, अनलॉक वन में छूट की दूसरी किश्त भी आ गई, मंदिर में रौनक लौट आई, मस्जिद में नमाज शुरू हो गई, मॉल्स भी 2 महीने बाद गुलजार हो गए। जिंदगी भागने लगी, लेकिन कोरोना भी रेस में है, न तो इसकी रफ्तार कम हो रही है न ही सिमटने को तैयार है। देश में कोरोना के कुल मामले अब 2.5 लाख के पार हो गए। जी हाँ, 1,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 के बाद 2.5 लाख। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े में कोरोना के कुल केस 2,56,000 से ज्यादा हो गए। इनमें करीब आधे लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन इस वायरस ने 7,000 से ज्यादा लोगों की सांसें छीन ली। और तो और 24 घंटे में करीब 10,000 नए मरीज जुड़ गए, जबकि एक दिन में ही 206 लोगों की मौत हो गई। हैरानी तो यह है कि एक्सपर्ट इसे पीक नहीं मान रहे हैं, मतलब भारत में कोरोना विस्फोट अभी बाकी है। पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हो, वो है कि पीक आके हम आगे निकले, ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है, क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है, हमारा देश भी बहुत बड़ा है। लॉकडाउन के बाद दुनिया में कोरोना सिमट रहा है, लेकिन भारत में ये पैर पसारता जा रहा है। हालात ये हैं कि कोरोना के रोज बढ़ने वाले मामले में हमारा देश तीसरे नंबर पर जा पहुंचा। भारत से ऊपर सिर्फ ब्राजील और अमेरिका है, रूस पीछे छूट चुका है। इस लिस्ट में भारत के साथ चिली और पाकिस्तान भी है। आखिर भारत कहां जा रहा है, कोरोना की रफ्तार कितनी बढ़ेगी, कहां तक जाएगी? कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े जा रहे हैं, 2.5 लाख के करीब हो गए हैं, और ये और देशों के मामले में अब हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखना जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। नंबर्स पे हम इतना ना जाएं, हम उस पर फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए, हमें लोगों को बचाने की जरूरत है। सरकार के बड़े दफ्तरों तक भी कोरोना की घुसपैठ बढ़ रही है। श्रम मंत्रालय में 11 अफसर पॉजिटिव निकले, चुनाव आयोग में कोरोना का पहला मामला मिला, ईवीएम डिवीजन के कर्मचारी टेस्ट में संक्रमित पाए गए। जैसे जैसे कोरोना की चाल में तेजी आ रही है, आंकड़े डराने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि आगे इलाज का क्या होगा, अस्पताल कहीं कम तो नहीं पड़ जाएंगे, बेड के लिए मारामारी तो नहीं होने लगेगी। दिल्ली में तो ऐसी शिकायतें भी आने लगी, जब अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।